गाइस ये देखिए, इस अलमारी में एक छिपकली घुस गई थी। तो दो दिन पहले देखा मैंने, फिर मैंने उसको निकाला बड़ी मुश्किल से। मुझे लगा निकल गई होगी, कल मैंने रखा सामान, फिर देखा कि इसमें फिर घुस गई है। अब विश्वास नहीं मानेंगे, ये जो बीटिंग है ना इसके अंदर और ये इसके अंदर, इसमें घुस जा रही है। और मैं 3-4 दिन से परेशान हो के एकदम पागल हो जैसी हो गई, काम छोड़ छाड़ के इसी के पीछे लगी पड़ी हूँ कि कहीं मर मरा गई फिर अलमारी में फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये नीचे से यहाँ से घुस जा रही है, पूरे कपड़े निकाल के रखे बाहर, 2 दिन से एकदम परेशान, सारे कपड़े के ढेर यहाँ लगे पड़े हैं। फिर झाड़ू से निकालो उससे नहीं निकल रहा, एकदम जिसको कह सकते परेशान। फिर मैंने ये मोटी कॉयल लगाया तीनों रेक में चारों तरफ की, धुएं से बाहर आ जाएगी, फिर उससे बाहर नहीं आई। फिर मच्छर वाली अगरबत्ती लगाई कि उससे बाहर आएगी, उससे भी बाहर नहीं आई वो। अंत में आज परेशान होकर, 2 दिन से मैं बहुत परेशान थी, आज मैंने क्या करा, जो इनके ये होल्स हैं ना ये नीचे, ये आप देख रहे हैं ना ऊपर बीटिंग वाले, ये इन सब में मैंने मार दिया हिट मारा है। दो इस वाले रो में पूरा, इसमें गया, इसमें हिट मारा, इस सब साइड में हिट मारा है जैसे मैंने। फिर वो अंदर से छिपकली बाहर आई है और अपने यहाँ पे तड़पड़ते बाहर निकल आई। तो गाइज आइंदा से अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो ना, तो आप मेरी तरह 1-2 दिन परेशान मत होइए, आप सीधे पता लगाइए वो कहाँ घुस रही है और सीधे वहाँ पर हिट मार दीजिए, जो हम कॉकरोच को मारने के लिए यूज़ करते हैं ना उससे, तो ही इसका समाधान है। अब इतनी मुश्किल से ये हुआ, अभी मैंने कपड़े नहीं रखे क्योंकि इसमें अभी भी वो हिट की स्मेल है। तो जब हिट की स्मेल निकल जाएगी अच्छे से, फिर मैं इसमें वापस से इसको ठीक से क्लीन करके कपड़े रखूँगी इसमें। सो गाइज अगर आपके साथ ऐसा हो तो प्लीज़ मेरी तरह 2 दिन का टाइम बर्बाद मत करिएगा, सीधे हिट लीजिएगा और जहाँ उसके छिपने की जगह है मार दीजिएगा, वो बाहर आ ही जाएंगी छिपकलियाँ जो भी हों।